दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। ये है माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक सीरीज का एपिसोड नंबर 2। तो इस वाले एपिसोड में हम बनाने वाले हैं अपने लिए एक हाउस जो कि एक मॉडर्न हाउस है। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले जो आज का शॉर्ट आउट है वो जाता है इन सारे भाइयों को। मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, एक और हमारे भाई हैं जिनका नाम है भाई ब्रा गेमिंग, एंड इनको मैं अलग से भाई क्यों दिखा रहा हूँ इनका। अरे भाई मैंने सुना भाई तेरी वीडियो किसी ने कॉपी कर ली है। अरे भाई तो मैं टॉपिक बता रहा था तब तक तो तुम आ गए। पहले मेरे को ये बताओ, तुम तो भाई 2 महीने बाद आने वाले थे, तुम 1 महीने जल्दी कैसे आ गए? अरे वो मेरा वहाँ पे मन नहीं लगा इसीलिए मैं छुट्टियों को कैंसिल करके वापस आ गया। लेकिन बताओ तो भाई किसने की है कॉपी? तो मैं वही बता रहा था, तो चलो इनको भी बताया तो तुम भी सुन लो। तो भाई ये टिब्रा गेमिंग है ना, इन्होंने भाई मेरी वीडियो पूरी कॉपी कर ली है। एंड कैसे कॉपी किया, एंड भाई थोड़ा बहुत कॉपी करते हैं, मेरे ऐसे बल्डो नाते में कुछ नहीं कहता। इन्होंने मेरी वीडियो को डाउनलोड किया, इसकी वॉइस चेंज की एंड अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, एंड मैंने वो तो देख लिया। भाई मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा अपनी वीडियो को डिलीट कर दो, नहीं तो भाई मैं कल कॉपीराइट दे दूंगा आपको। ये कह रहा हूँ कि अभी तो तुम्हें कॉपीराइट टैप मिला ही नहीं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम अगर यूट्यूब को रिपोर्ट करें तो वही कॉपीराइट हम मार सकते हैं, ठीक है? तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, एंड मेरा कोई नहीं है, तुम वीडियो डिलीट कर दो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दो। एंड मेरे को भी पता है कि ये सीरीज बहुत लेट हो गई है, क्योंकि भाई मेरे को कोई ढंग का घर ही नहीं मिल रहा था इसमें बनाने के लिए, इसीलिए भाई। और कोई बात नहीं है जिससे लेट हो रही है, आपको लग रहा होगा ऐसा कुछ नहीं है। एंड भाई मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे को मैंने जैसा कि आपको बताया मेरे दोनों बल डिलीट हो गए थे, एंड भाई उसका भी भाई जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है जो कि हमारी सर्वाइवल सीरीज है जिसमें हम आयरन फार्म बनाने वाले हैं। भाई वेट करो भाई, अगर आपको भी मेरी अगली वीडियो में शॉर्ट आउट चाहिए तो उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना, बस कमेंट में आपको लिखना है #shoutout, एंड अगली वीडियो में आपको भी शॉर्ट आउट मिल जाएगा कन्फर्म। अगर आप शॉर्ट आउट ऑनली लिखोगे तो मैं आपको शॉर्ट आउट नहीं दूंगा, आपको लिखना #shoutout। तो चलो मैं आपको पहले उससे पहले अपना वर्ल्ड दिखा देता हूँ, एंड मेरे को यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखानी है। मेरे वर्ल्ड में है भाई वी नेस्ट, भाई ये मेरे में कहाँ से आए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो भाई जब मैंने ये जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे वर्ल्ड डिलीट हो गए थे, जैसे मैंने इन वर्ल्ड को रिकवर किया एंड पहला अपना ट्री लगाया एंड उसी के साथ भाई वी नेस्ट स्पॉन हो गया। एंड आप देख सकते हैं मैंने एक और वी नेस्ट स्पॉन करा लिया, लेकिन बट मैंने दूसरे वाले के बिना नीचे कैंप फायर लगाए बिना मैं उसमें हनी निकालने के देखने निकाल रहा था, गलती से मैं भूल गया था, उसके चक्कर भाई सारी भी मर गई। अब तो भाई मेरे को भी लगता है कि मैं नूब हूँ, और तो कुछ नहीं है। एंड ये जो मैंने प्लेटफॉर्म पहले बनाया था 15 ब्लॉक लॉन्ग के बाद फिर मैंने ट्री लगाने का बनाया था, लेकिन इस बार मैंने 10 ब्लॉक का ही बताया, उसके बाद अपना ट्री लगाने का पूरा एरिया बना दिया है। एंड मैंने वुड वगैरह तो काट लिया तो मेरे को इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं और वुड की। एंड बस यही था हमारा, इतना ही हमारा पहले बनाता है एंड इतना ही बन चुका है। तो अब भाई हम अपना सामान लेते हैं एंड सीधा हम चलते हैं अपने घर को बनाने के लिए। तो घर मेरा भाई पूरा एक मॉडर्न हाउस है, एंड जो भी प्लैंक हाउस समझ सकते हो, मतलब उसमें कहीं भी वुड नहीं लगी है, प्लैंक ही प्लैंक लगे हैं। एंड तो बस इसके मैं प्लैंक बना लेता हूँ पहले, एंड अब मैंने प्लैंक बना ली है एंड अब हम चलते हैं सीधा अपने घर को काम करने। तो अब ये मेरा भाई घर है ना जिसका साइज़ है भाई 12x60, मतलब 60 है इसकी चौड़ाई एंड 12 है लंबाई। तो मैं बस इसको कंप्लीट करता हूँ एंड इसे मेरे को 4 ब्लॉक लॉन्ग बनाना है, एंड जो मेरा जो आगे डेट लगी ना उसके वही वो भी मेरे मतलब हाउस के एरिया में आ रही है जगह, लेकिन मेरे को ऐसे ही बनाना है। तो एंड आप देख सकते हैं ये मैंने बना लिया, एंड एक ब्लॉक मेरे को छोड़कर ही बनाना है इसे, इस यही डिज़ाइन है इस हाउस की। एंड अगर आपको नहीं, अगर आप मेरी इसके हाउस ट्यूटोरियल वाली वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, एंड उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, जाकर देख लेना। एंड सेम मेरे को इस टाइप भी 4 का प्लर बनाना है एंड फिर मैं इसको भी इसे कंटिन्यू करना है। एंड इसे मैंने कंटिन्यू कर लिया, एंड मेरे को यहाँ पे भी लगा देनी है कुछ ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ। एंड बस हमारा हो चुका है हाउस, इतना तो हमारा बन चुका है। एंड अभी आपको लग रहा होगा मैं क्या बना रहा हूँ, लेकिन अभी आपको थोड़ी देर में ही अच्छा लगने लगेगा। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ले लेनी है यहाँ पे सीधा क्राफ्टिंग टेबल, एंड क्राफ्टिंग टेबल से मेरे को बनानी है स्टेयर्स जिससे हम अपने घर के ऊपर जा सकें। तो चलो मैं यहाँ पे स्टेयर्स बना लेता हूँ, उसके लिए मैं इसको तोड़ देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। एंड अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टेयर्स, एंड ये मेरे को यहाँ पे 8 स्टेयर्स लगेंगी। तो यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया, एंड ये लगा दी मैंने, अरे ये तो गलत लग गई है, तो अभी मैं इसको हटा कर सही कर देता हूँ। एंड ये मैंने इसे हटा दिया, एंड अब मैंने एक और दोबारा से नई लगा दिया, एंड ऊपर भी मेरे को, एंड यहाँ अरे भाई ये वाला गलत हो गया, हाँ अब इसे लगा देता हूँ, यहाँ से इसे हटा दिया एंड अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड अब भाई ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, एंड अब मेरे को इसको ऊपर का फिल करना है, तो मैं इसे फिल कर लेता हूँ जल्दी से। तो भाई ये मैंने फिल कर लिया, एंड अब मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, बाहर निकलने के लिए मैं यहीं से भाई प्लैंक हटा देता हूँ। एंड वैसे 1 ब्लॉक में मैंने नीचे का भाई पूरा प्लैंक का एरिया बनाया, तो मेरा फ्लोरिंग का भाई पूरा खर्चा बच गया, अब मेरे को फ्लोरिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन भाई आगे जाके मैं भाई डर्ट से या फिर स्टोन से अपना ये
जो जगह बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि मेरे को प्लैंक से इतनी अच्छी नहीं लग रही है, गलती से आग लग गई तो भाई पूरा मेरा आइलैंड खत्म हो जाएगा। बस ये तो हो गया हमारा इतना काम। तो अब मेरे को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग के 4 ब्लॉक में, मैंने कि आपको बताया कि मेरा 12x16 का हाउस है। तो मेरे को यहाँ पर 10th वाले ब्लॉक पर जाना है, जैसे ये हो गया मेरे को यहाँ पर 10th वाले ब्लॉक पर जाना है, एंड देन ये आ गया 10 वाला ब्लॉक। एंड यहाँ से देखो, इसे मैंने एक ब्लॉक पीछे बनाया था, एंड अब मेरे को इसे डर्ट के बिल्कुल सामने से बनाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये ऐसे बनाना है, यही इस हाउस की डिज़ाइन है। तो मैं इसे भी 4 ब्लॉक लॉन्गर बनाना है, एंड इसे भी मेरे को ऊपर तक लास्ट तक ले जाना है। तो मैं इसे पहले ले जाता हूँ। एंड भाई देखो, ये मैंने बना लिया है। अब मेरे को यहाँ पे इसे पूरा वहाँ तक इसे करना है। One eternity later. मैंने पीछे की भी वॉल बना दी, एंड हमारा अभी एक हाउस को जैसा लग रहा है। अब मेरे को करना है, अब मेरे को इसे इससे ज्वाइंट करना है। तो मेरे को देखो, ये स्टेयर वाली साइड है, इसके ऊपर वाला ब्लॉक है, इससे उस वाले साइड को ज्वाइंट करना है। तो ये मैं यहाँ से ज्वाइंट कर देता है। एंड अब मेरे को इसकी पूरी जो रूफ का काम है उसे करना है, तो मैं कर लेता हूँ। तो भाई हमारा रूफ का काम भी हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मेरे को क्या करना है, एंड अब बस मेरा हो चुका है कंप्लीट काम। बस मेरे को यहाँ पे 3 प्लैंक्स लगाने हैं, जो कि मेरे को यहाँ पे लगाने हैं इस जगह पे। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे लगेंगे। ये देख सकते हैं, मैं बस देख रहा था कि सही बना है या नहीं। एंड अब बस यहाँ पे हो गया है कंप्लीट, एंड बस हो गया ये हमारा काम। एंड अब मेरे को यहाँ पे लगेंगे स्पेयर प्लैंक, वो मैं अभी बाद में लगा दूंगा। अब मेरे को आगे का काम कंप्लीट करना है। आगे के काम के लिए मेरे को इस साइड आना है, एंड मेरे को यहाँ पे 6 ब्लॉक आगे तक ले जाना है, ये डर्ट तक यहाँ तक बनेगा हमारा हाउस, क्योंकि तो मेरे को यहाँ 6 ब्लॉक लाने हैं। 1, 2, 3, 4 एंड ये 5 एंड एक और 6। सेम मेरे को उस तरफ भी लगाना है, तो मैं चलता हूँ वहीं पे, एंड फिर वहीं पे लगाते हैं, फिर हमारा होगा घर कंप्लीट। इसके लिए मैं ऊपर से चले जाता हूँ, एंड यहीं से मैं लगाना शुरू कर देता हूँ। देखो वहाँ तक एंड तक इसे फिर उसकी पूरी रूफ भी कवर करनी है। तो चलो फिर करते हैं। तो ये मेरे पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एंड यहाँ पे 2 बेस्ट प्लैंक लग गए थे तो इन्हें हटा दिया है मैंने। एंड अब मैं आपको अपने घर के कुछ लुक दिखा देता हूँ कि कैसे लुक आ रही है। एंड ये डर्ट भी हटाया था, इसका भी अब कोई काम नहीं है। एंड ये रही हमारे घर की कुछ फाइनल लुक। तो हमारा घर कुछ दिखने में ऐसा लग रहा है अब। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को यहाँ की ये डर्ट हटा देनी है, एंड ये प्लैंक भी गलत लगी है तो इन्हें भी हटा देना है, एंड ये भी हटा दूंगा, एंड इसे भी हटा देता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो। इसे भी हटाने के बाद अब हमारा ये घर कुछ ऐसा हो गया है। तो अब मेरे को करना है ऊपर का काम, उससे पहले मैं लेके आता हूँ स्पेयर्स प्लैंक। One eternity later. तो चलो फिर मैं ले आया हूँ स्पेयर्स प्लैंक। तो अब मेरे को ऊपर जाना है, प्लैंक ले आना है। स्पेयर्स प्लैंक मैं अभी लगा दूंगा थोड़ी देर से, उससे पहले मेरे को इसके रूफ का काम करना है। तो अब मेरे को यहाँ से 4 ब्लॉक ऊपर जाना है। तो ये मैं आ गया 4 ब्लॉक ऊपर, एंड अब मुझे इसे लास्ट तक करना है, तो मैं करता हूँ। तो लास्ट करने के बाद ये कंप्लीट हो गया है, एंड अब मेरे को इसके रूफ का काम करना है। तो रूफ का काम करने के लिए मेरे को यहाँ पे ये है ना, इसे कुछ यहाँ तक लाना है। तो यहाँ पे मेरे को इसके एक पिलर बनाना है। तो पिलर बनेगा कहाँ पे, यहाँ। तो ये मैंने बना दिया है, एंड अब मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। तो मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर दिया, एंड इसे फिल भी कर दिया, एंड आप देख सकते हैं। तो अब हमारा घर कुछ ऐसा हो गया है। तो अब मेरे को करना, अब मेरे को लिखा है स्पेस ब्लैंक। तो अब आता है भाई स्पेस प्लैंक का काम। तो अब मैं ले आया हूँ, एंड मेरे को यहाँ पे लगाना है कुछ 3 प्लैंक्स, एंड 2 यहाँ पे लगाने हैं ऊपर, एंड 3 यहाँ पे लगा देने हैं कुछ ऐसे। एंड अब ये लग गया है, तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे बीच में डोर लगाना है। एंड बस हमारा घर हाउस यहाँ का नीचे का कंप्लीट हो चुका है। एंड रहा ऊपर की बात, तो ऊपर मेरे को लगाने हैं, तो यहाँ पे मेरे को लगाने हैं कुछ ऐसे जैसे यहाँ लगा रहा हूँ मैं। एंड अब मेरे को यहाँ पे लगाने हैं, एंड जस्ट मेरे को इसे पूरा करना है। जस्ट मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया, एंड आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा हो गया है। एंड बस इसकी डिज़ाइन मैंने जब ट्यूटोरियल बनाया था ना, उसमें कुछ अलग बनाई थी थोड़ी डिज़ाइन, एंड इसमें मैंने थोड़ी से चेंज कर दिया है। एंड आप देख सकते हैं, एंड ये हमारा बन चुका है। एंड यहाँ पे मेरे को बिल्कुल सेंटर में आना है, एंड यहाँ का ब्लॉक तोड़ के यहाँ पे मैं लगा देना है डोर। एंड अब मैं पहले तो सो जाता हूँ, फिर आपको मिलूँगा सुबह। ये हमारा हो चुका है यहाँ पे अंदर जाने का कुछ ऐसा एरिया, तो यहाँ पे हो गया। तो हम चलते हैं पहले सोने के लिए, एंड फिर हम आगे का काम कंप्लीट करेंगे। पहले गेट लगाया जाता हूँ यहाँ पे, फिर हम जाते हैं। The next day. तो अब हो गया भाई डे, एंड अब मैं इनसे फाइट लेता हूँ। तो ये तो बस ज़ॉम्बी थे, तो मैंने इजीली मार लिया। एंड स्केलेटन होते अगर इतने सारे तो भाई मेरे को दिक्कत आ सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भाई कंप्लीट कर लिया। एंड मेरे पे अब ग्लास तो है नहीं है, सो मैं अपने हाउस को फिर कंप्लीट नहीं कर सकता।
तो मेरे को यहाँ पे एनुअल वाला एरिया बनाना है, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे लीव्स चाहिए, तो मैं लीव्स ले आया हूँ। तो मेरे को लगानी है लीव्स यहाँ पे एंड ऊपर, एंड अब मेरे को पूरा ऐसे यहाँ तक लगाना है। तो यहाँ पे मेरे को लास्ट वाले ब्लॉक पे एक लीव ऊपर, एक नीचे एंड बीच में फैंस, एंड अब मेरे को यहाँ पे एक एक फैंस एंड यहाँ पे बीच में फैंस गेट, ऐसे मेरे को सारे तरफ कंप्लीट करना है। तो मैं पहले करता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कैसा दिख रहा है। तो भाई जी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड अब मेरे को कुछ नहीं करना, अब हमारा पूरा हाउस कंप्लीट हो चुका है। एंड मैं आपको अपने हाउस के फुल लुक दिखा देता हूँ, एंड आप देख सकते हैं हमारे हाउस के कुछ लुक ऐसे आ रहे हैं भाई, पूरे भाई मॉडर्न हाउस वाले लुक है। एंड बस भाई मैं से एंड यहाँ पे ये हॉर्स है ना, इन्हें भाई ले चलता हूँ दोनों हॉर्सों को वहीं पे। एंड भाई मेरे को लग रहा है इनमें से एक हॉर्स नीचे गिर जाएगा, एंड भाई लग नहीं रहा भाई, कन्फर्म गिरेगा, एंड गिर गया। तो चलो भाई कोई बात नहीं, एक हॉर्स को अंदर रख देते हैं, एंड चलो यहाँ पे आ गए हैं। एंड अब हम आते हैं अंदर भाई, आ जा अंदर भाई सीधा। एंड इस पे हम भाई इसे नाम भी देंगे, तो देखेंगे इसका कोई अच्छा सा नाम हम देखेंगे जब हम पे नेम टैग होगा। अभी तो मेरे पास कोई नेम टैग है ही नहीं, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। एंड भाई ये तो मैंने नीचे जो हॉर्स था ना वो पता नहीं गलती से लैस हो गया है फैंस से, एंड मेरे ख्याल से अब वो नीचे लटका हुआ है। तो मैं आपको उसे दिखाता हूँ कि वो कहाँ पर लटका है, एंड आप देख सकते हैं वो लटका है। तो मेरे को पूरा यकीन है कि मैं इसे बचा सकता हूँ, लेकिन अगर इस वाले वीडियो पे 100 लाइक आती हैं तो हम इसे बचा लेंगे। एंड तब तक ये यहीं पे लटका रहेगा, तब तक ऐसे एपिसोड पे 100 लाइक नहीं होंगे ना तब तक मैं इसे नहीं बचाने वाला, ठीक है। तो बस भाई, एंड अब हम अपने हाउस को भाई कल डेकोरेट कर लूँगा, एंड भाई थोड़ा बहुत काम है उसे भी कंप्लीट कर लूँगा, फिर उसके बाद हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। एंड अगर आपको भी अगर शॉर्ट आउट चाहिए तो बस आपको कमेंट में लिखना है #shoutout, तो अगले वीडियो में आपको भी शॉर्ट आउट मिल जाएगा। तो बस भाई इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से टैन के भी करवा दो, क्योंकि मैं तो छुट्टी पे था, अब होंगे इसके टैन के, जल्दी से टैन के सब्सक्राइबर करवा दो।